हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट ऑफ जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 से 15 के बीच में एक्सपेक्टेड आंसर की रिलीज़ हो गई थी, और आई होप आप सब ने ऑब्जेक्शंस भी रेज कर दिए होंगे जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा होगा। अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट आ रहा होगा कि आंसर की तो रिलीज़ हो गई है, अब इसके कितने दिनों बाद एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं रिजल्ट को, तो उसी के रिगार्ड में ये वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब सबसे पहले मैं अगर आपसे बैक से बात करूं, तो अब ये देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था मोस्ट प्रोबेबली 10 जून तक आपकी आंसर की रिलीज़ हो जाएगी, तो वो आपकी 13 से लेके 15 के बीच में हो गई। तो ये वाला एक स्पेकुलेशन मेरा अभी तक सही रहा है। अब मैं अगर आगे स्पेकुलेट करूँ जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट के बारे में है, तो वो आपका मोस्ट प्रोबेबली क्या है, 30 दिन। जी हाँ, आफ्टर 30 डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ विंडो फॉर द ऑब्जेक्शन ऑफ आंसर की। मतलब क्या है कि जब आपने आंसर की का जो ऑब्जेक्शन का विंडो थी 15 जून, जिसकी लास्ट डेट थी, उससे 30 दिन और जोड़ लीजिए, वो कितना होती है आपकी 15 जुलाई। जी हाँ, 15 जुलाई तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स का अपना रिजल्ट। जी हाँ, प्रीलिम्स का जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए मोस्ट प्रोबेबली 15 जुलाई 2023 तक आ जाएगा। और गाइज, एक और चीज़ है, ये सब स्पेकुलेशन है, ये कोई मैं एकदम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, बस ये स्पेकुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग, वो भी बेसिस किसका है कि प्रीवियस एनटीए कितने टाइम में रिजल्ट रिलीज कर देती है, और उसके बाद कि आंसर की के सॉल्व करने में, और उसके बाद जो जो ऑब्जेक्शंस आपने रेज किए होंगे वो सही हैं या नहीं, ये सब चेक करने में। क्योंकि अभी दो प्रोसेस होंगे, एक ऑफिशियल आंसर की भी आती है और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट भी आता है, तो ये रिजल्ट में अराउंड 30 डेज का तो टाइम लग ही जाता है। ठीक है, 30 डेज आपका टाइम लग जाएगा, 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद जो जो लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग जिनका मतलब थोड़ा कम है, या फिर और जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, वो क्या करें, वो अभी से टाइपिंग के लिए जुड़ जाएं। जी हाँ, टाइपिंग जितना जल्दी आप करेंगे, आपके मेरिट में ना मार्क ना नाम लाना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक टाइपिंग ही अब आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए लास्ट एक क्वालिफाइंग स्टेज का पेपर है। अगर वो क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो आप जूनियर असिस्टेंट में एज सेलेक्ट हो जाएंगे, कहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो गाइस, अभी तक के लिए यही है मेरी तरफ से कि आपका फाइनल मैं प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आएगा वो 15 जुलाई तक आएगा, और उसके कुछ दिन बाद आपका, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद आपका मोस्ट प्रोबेबली टाइपिंग हो जाएगी। तो तब तक के लिए अभी से टाइपिंग के लिए जितनी अच्छे से तैयारी करेंगे उतना अच्छा होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए लाता रहता हूँ। ये था आज का वीडियो मेरी तरफ से, थैंक यू फॉर वॉचिंग।